नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से। जी हां, आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 संस्कृत सब्जेक्ट। जी हां, संस्कृत सब्जेक्ट टीएसपी और नॉन टीएसपी में मुख्य सूची से चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनका संभाग आवंटन जारी हो चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ी अपडेट है आपको इस वीडियो के तहत बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट, आंसर क्विज, दैनिक समाचार, विभागीय आदेश, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 संस्कृत सब्जेक्ट जी हाँ नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन जो जारी हुए हैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि आपको वीडियो के स्क्रीन में दिखाया जा रहा है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से देख सकते हैं। हालांकि ये 13 जुलाई की डेट है, लेकिन दोस्तों यह जो संभाग आवंटन की सूची है वो आपको इस वीडियो के तहत बताई जा रही है। देख सकते हैं विषय में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2016 विषय संस्कृत टीएसपी अथवा नॉन टीएसपी में मुख्य सूची से चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों का संभाग आवंटन एवं नियुक्ति के संबंध में देख सकते हैं। इस कार्यालय का सम संख्या पत्र दिनांक 25 सितंबर 2018, 30 अक्टूबर 2018, 14 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 देख सकते हैं। विषय अंतर्गत आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा 2016 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसीबी सीरीपी संख्या ये देख सकते हैं दिनेश चौधरी व बनाम सरकार में जो याचिका दायर हुई थी उसके तहत पारित निर्णय दिनांक 23 फरवरी 2022 के अनुपालना में परीक्षा के अंतर्गत अपात्र अथवा वैकेंट अभ्यर्थियों के कारण देख सकते हैं जो अपात्र अभ्यर्थी अथवा वैकेंट अभ्यर्थी थे उनके कारण रिक्त रहे पदों के विरुद्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर जी हां आरपीएससी की ओर से अजमेर के पत्रांक F6 परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा 2016-17 संस्कृत 734 देख सकते हैं दिनांक 13 अप्रैल 2023 एवं 967 दिनांक 15 मई 2023 के तेईस के द्वारा वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2016 विषय संस्कृत टीएसपी और नॉन टीएसपी में मुख्य सूची से चयनित अभ्यर्थियों को या जो मैंने लिस्ट जारी हुई थी उसके बाद में उसमें से चयनित अभ्यर्थियों को स्पष्ट पात्र मानते हुए अभिस्थापना में आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। तो पूरी अपडेट आपको बताई जाएगी, बने रहे वीडियो के अंत तक। जी हाँ, संलग्न सूची में नीचे आपको लिस्ट दिखाई जाएगी जो जिनका संभाग आवंटन जारी हुआ उनका आप नाम पूरी लिस्ट आपको बताई जाएगी। अभ्यर्थियों का संभाग आवंटन किया जाकर निर्देश किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों और समय समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं शर्तों के अधीन काउंसलिंग दिनांक 21 जुलाई 2023 ध्यान दें दोस्तों 21 जुलाई 2023 को आयोजित कर उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी किया जाए तथा कार्यग्रहण की अंतिम तिथि ध्यान दें दोस्तों कार्यग्रहण की अंतिम तिथि रहेगी 14 अगस्त 2023 ये रखी जाए। नियुक्ति आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवा करके प्रति संस्थापन या विभागीय जो ईमेल आईडी है ये देख सकते हैं यहाँ पर अनिवार्य रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। देख सकते हैं इसके अलावा अभ्यर्थियों की नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय भर्ती परीक्षा 2016 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर DBSW संख्या 28/2023 आयोग बनाम दिनेश कुमार चौधरी व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी। और जानते हैं पूरी अपडेट। जी हाँ, आपको आवंटित अभ्यर्थी के आवेदन पत्र लिए जाने हेतु आपके कार्यालय के संस्थापन लिपि को निदेशालय के मुख्य प्रश्न भवन के कमरा नंबर में ये देख सकते हैं यहाँ पर काउंसलिंग तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से भिजवाने की व्यवस्था करवाए। तो आपको नीचे ले चलते हैं संभाग आवंटन अभ्यर्थियों की सूची गैर अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनों की। जी हाँ, देख सकते हैं ये नीचे आपको ये लिस्ट दिखाई जाने वाली है, यहाँ से ये देख सकते हैं पूरी अपडेट दी जाएगी। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2016 में अनुसूचित जिया टीएसपी एरिया और गैर अनुसूचित नॉन टीएसपी एरिया टीएसपी नॉन टीएसपी हेतु अंतिम रूप से चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन सूची देख सकते हैं। ये बड़ी अपडेट इस समय की।
देख सकते हैं ये संस्कृत सब्जेक्ट, इसमें पूरी लिस्ट आपको दिखाई जा रही है इससे संबंधित जो है अभ्यर्थियों की। संस्कृत सब्जेक्ट सीरियल नंबर, टीएसपी नॉन टीएसपी, रोल नंबर, मेरिट नंबर और नेम ऑफ कैंडिडेट देख सकते हैं। फादर्स नेम, बर्थ डेट जी हाँ DOB, कैटेगरी सेलेक्ट कैटेगरी जी हाँ, और लास्ट में देख सकते हैं अलोटेड जो है रेंज देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है आपको दिखाई जा रही है देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती से संबंधित जो अन्य और अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट नियुक्ति हेतु संभाग आवंटन की जारी होगी, आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी जाएगी या दोस्तों। तो अभी तो यही लिस्ट जो है विभाग ने जारी की है, अन्य जो और शेष अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट जारी होगी, आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि अन्य लोगों को भी सेतु अपडेट मिल सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, थैंक यू।